नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। करौली जिले में टोडा भीम उपखंड के भोपुर गांव लालाराम का पुरा में बने एनीकट में तीन युवक गंभीर नदी के तेज बहाव में बह गए। तीनों युवक बहते बहते बीच नदी में पहुंच गए, जहां युवकों ने बबूल के पेड़ को पकड़ लिया और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं इस दौरान एक युवक कोशिश करके नदी से बाहर निकल आया, जबकि दो युवक अभी भी नदी के बीच बबूल के पेड़ को पकड़कर बैठे हैं। सूचना पर एसटीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और ये टीम युवकों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। रविवार को हुई तेज बरसात के कारण ब्यावर खास मार्ग स्थित छावनी नदी पुलिया में पानी का तेज बहाव आ गया। तेज बहाव के दौरान पुलिया से गुजर रही स्कूटी सवार महिला असंतुलित होकर महिला गहरे पानी में चली गई। हालांकि इस दौरान महिला ने नदी में स्थित एक झाड़ी को पकड़ लिया। उधर नदी में महिला के गिर जाने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और नदी में रस्सी फेंककर उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान एसटीआरएफ लोगों के लिए देवदूत साबित हो रही है। एसटीआरएफ के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि 25 जून को 51 टीमों को 28 जिलों में रवाना किया गया। इनमें 550 से ज्यादा उच्च प्रशिक्षित जवानों को शामिल किया गया। इन जवानों ने 10 अगस्त तक 45 दिनों में करीब 90 रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिसमें एसटीआरएफ जवानों ने 272 जिंदगियों को बचाया। कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि मानसून के दौरान दामिनी और सचेत मोबाइल ऐप की मदद से आम आदमी मौसम के हाल जान सकता है। दोनों ही ऐप को मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। कितने सीटर अवेलेबल होते नहीं हैं? जो दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें की जनहानि हुई है, उनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो यही है कि लोग किसी ऐसे स्थान पर पिकनिक मनाने गए और पिकनिक मनाने तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो रील बनाने के दौरान खतरों से खेलते हुए ऐसे स्थानों पर जाकर वीडियो शूटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर अचानक पांव फिसल गया या अचानक तेज बहाव में फंस गए, उसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। आगामी 27 अगस्त को प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटर्स ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इस दौरान निजी बस ऑपरेटर्स अपनी बसें नहीं चलाएंगे। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक परिवहन विभाग उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर रहा। कई बार वो परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों से इस बारे में मिल चुके हैं, लेकिन उनकी 24 सूत्री मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसोसिएशन ने कहा कि अब भी उनकी मांगों पर विचार नहीं होता है तो वो चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। तो हमने ये निश्चित किया है पूरे राजस्थान के 30,000 बस ऑपरेटर 27 तारीख से एक दिन की हड़ताल करेंगे और यदि पूरी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। बाड़मेर से लगती भारतीय सीमा में तारबंदी पार कर घुसपैठिया बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर सेड़वा के झड़पा गांव तक पहुंच गया। ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पाकिस्तानी युवक के पास से एक डायरी और मोबाइल भी बरामद किया गया। बीएसएफ की टीम घुसपैठिए से पूछताछ कर रही है। बॉर्डर पर गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। खैरथल जिले के तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ रात 8 बजे तिजारा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का ड्यूटी रजिस्टर चेक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों के परिजनों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। ड्यूटी से डॉक्टर के गैर हाजिर रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने तुरंत इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। से बातचीत की कि आगे से यहाँ पर उपलब्ध रहें और हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं पहले भी देखी थी, आज भी देखी हैं, उस कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है तो जल्दी से काम पूरा हो और हमारे आसपास के लोगों को सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हों पूरी। विरोधियों को पक्ष में करेंगे और आज जो हमारे पक्ष में है वो हमारे मतदान
मतदाता बने इसका प्रयास करेंगे, जो मतदाता बनेगा उसको कार्यकर्ता बनाने का भी प्रयास करेंगे। ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। उन्होंने जोधपुर में न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कोई विरोधी हमारा दुश्मन नहीं है। और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जोधपुर में है, सर्किट हाउस पे हमारे साथ है, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बधाई, धन्यवाद। क्या चुनौतियां मानते हैं आप संगठन को लेकर? मैं सोचता हूं कि चुनौती नाम की कोई चीज नहीं है, हम संगठित रह करके मुकाबला करने के स्थिति में हैं। हमारे हर क्षेत्र में कार्यकर्ता है, अब वो सब कार्यकर्ता वरिष्ठों का अनुभवों का लाभ लेकर के, जो सीनियर्स हैं हमारे, उनके जो अनुभव है आज तक के, उनको साथ में लेकर के और कार्यकर्ता बजट को लेकर के, राजस्थान और केंद्र सरकार के बजट को लेकर जनता के बीच में जाएगा तो हम सफल होंगे, कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। चलिए मैं सवाल को बदल देता हूँ सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ न कुछ नवाचार करते हैं, आप संगठन में क्या नवाचार करने जा रहे हैं? संगठन में हम देखिए नवाचार जैसी क्या बताएं, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का उपयोग होना चाहिए, हम उपयोग में लेंगे प्रत्येक कार्यकर्ता का। और नवाचार यदि समझे तो हमारे विरोधी को भी हम अपने पक्ष में करेंगे, आज जो हमारा विरोधी है कल वो हमारे पक्ष में आए, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। और जो आज हमारे पक्ष में है वो हमारा मतदाता बने, हमारा ये प्रयास रहेगा। आज जो हमारा मतदाता है कल हमारा कार्यकर्ता बने, हमारा ये प्रयास रहता है। ये सतत प्रक्रिया है, दीनदयाल जी उपाध्याय ने ये संस्कार हमको दिए हैं, हम उस दिशा में काम करते हैं, हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। विरोधी हो सकता है, राजनीतिक विरोधी है, लोकतंत्र में मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय चरित्र पैदा करो, ये मस्ट है, राष्ट्रीय चरित्र जरूरी है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हमारी पूजा पद्धति कोई भी हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारा, कहीं भी जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति मस्ट है, राष्ट्रभक्ति चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र चाहिए। और ये सभी राजनीतिक पार्टियों में भी होना चाहिए, केवल हमारी पार्टी में हो ये जरूरी नहीं है, प्रत्येक देशभक्त, प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त बने। सर अगर बात करें तो जो जिला स्तर पर जो संगठन है उसमें बदलाव कब देखेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी वाहन भी हम चलाते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं कमी पूर्ति होती है तो रिपेयरिंग करना ही पड़ता है, तो वो रिपेयरिंग होगी, कोई अमूल कार ही नहीं बदल देते, पूरी कार तो रहेगी। सर इस बार जो ग्राम स्तर के जो चुनाव है वो सिंबल पे होने जा रहे हैं, इस पर चर्चा चल रही नहीं? अभी चल रहा है हमारा वन स्टेट वन इलेक्शन, उस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है, काम कर रही है, देखते हैं क्या होता है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के आराध्य श्री गोविंद देव जी के मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मंदिर में एक दिन पहले ही सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नॉर्थ जिले के तमाम पुलिस अफसर जुट गए। वहीं हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मंदिर पहुंचे। न्यूज 18 से खास बातचीत में डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी और एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा ने बताया कि पिछली बार से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के जवान लगाए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के लिए बदमाशों की निगरानी भी होगी। करीब 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पार्किंग और दर्शनों की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए 400 से ज्यादा स्वयं सेवक लगाए गए हैं। महोत्सव के एक दिन पहले भगवान श्री राधा गोविंद देव जी के दरबार में भक्तों को तांता लग गया और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 1,000 से ज़्यादा जवान यहां पर तैनात किए गए। और वहीं पर कल जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम पुलिस अधिकारी यहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। डीसीपी राशि डोगरा डूडी, उसके अलावा एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा, एडिशनल डीसीपी बिजन सिंह शेखावत, तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पर मीटिंग्स ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी राशि जी। मैडम, सुरक्षा की क्या क्या तैयारियाँ इस बार की गई है मंदिर में? देखिए, पूर्व की तरह तकरीबन 1,000 का जाप्ता तो मंदिर परिसर के अंदर के लिए ही लगाया गया है, साथ ही ट्रैफिक और लोगों के आवागमन के लिए जो बैरिकेडिंग है और पीछे का जो पॉन्ड्रिक पार्क की तरफ से रास्ता है और जलेब चौक में जो भी ट्रैफिक की व्यवस्था है और भी उसमें जाप्ता लगाया गया है। पूरी सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए कैमरेज लगाए गए हैं जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, जो पूरे CCTNS में जितने भी अपराधी चलानशुदा हैं उनसे अगर वो उस तरह के अपराधी यहाँ अपराध करने आते हैं भीड़भाड़ के इलाके में कल पर्व के समय, तो उनके पहचान की जाएगी और पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए DCP राशि डोगरा डूडी है, मैडम ट्रैफिक को लेकर क्या रहने वाला है यहाँ पर? ट्रैफिक के लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग जगह कर रखी है। इधर से आने वालों के लिए चौगान स्टेडियम है,
और इधर पॉन्ड्रिक पार्क के पास से जो इधर से आएंगे आगे यहाँ पे रामनिवास बाग और जलेब चौक पे व्यवस्था है। बाकी क्योंकि और जूते चप्पल की व्यवस्था भी सभी जगह की हुई है ताकि जो जहाँ पे गाड़ी खड़े और वो वहीं पे उसको एक जूते चप्पल खोलने का भी पॉइंट मिले ताकि जाते समय वो वहीं से करें। और नक्शा उसका हम लोग आज पब्लिक अखबारों में आ ही जाएगा, तो सभी जगह इसकी व्यवस्था की हुई। सुरक्षा बहुत अहम होती है, तो सुरक्षा के क्या क्या उपाय इस बार यहाँ पर किए गए हैं? देखिए हमने काफ़ी तो अभी हमने जो फेस डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर लगाया था तो जितने भी चोर उचक्के जेब कतरे, फिर भी हम महिलाओं से कहेंगे थोड़ा सा और ध्यान रखें, बैक कट जो करती हैं गैंग्स उनके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने दबिश देना शुरू कर दिया है और हमने काफ़ी सॉफ्टवेयर्स और कैमराज भी लगाए हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। उसके अलावा जो हमने इस बार बैरिकेडिंग इस तरह से रखी है कि काफ़ी स्मूथ फ्लो रहे, छोटे 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 पैसेजेस कई सारे बनाए ताकि एक लाइन में लोग चलते रहें और धक्का मुक्की किसी प्रकार की नहीं हो। फोर्स भी इस बार ज़्यादा डबल लगाई है क्योंकि वीकेंड था, तो सुरक्षा की व्यवस्था हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी इस बार शामिल किया है और जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का पार्ट है वो तो रखा ही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश की राजधानी जयपुर कान्हा के जन्म पर उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले शहर के आराध्य श्री राधा गोविंद मंदिर रंगीन रोशनियों से सज धज कर तैयार नजर आया। मंदिर में एक दिन पहले ही गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। मंदिर परिसर में भगवा पताका और बधाई हो के बैनर हर जगह लगाए गए। इस बीच न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने भगवान श्री राधा गोविंद देव मंदिर में सजावट का जायजा लिया। के प्रकट के एक दिन पहले भगवान श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर, भगवान का दरबार अब सचखंड तैयार है। कल यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन उसके एक दिन पहले भगवान श्री राधा गोविंद जी महाराज गुलाबी रंग की पोशाक में नजर आ रहे हैं और यहीं पर भगवान श्री राधा गोविंद जी का दरबार सचखंड तैयार है। यहाँ पर बधाई संदेश, यहाँ पर बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर हरिनाम कीर्तन चल रहा है। आप देख सकते हैं भगवान का सुंदर श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। 400 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी सेवादार यहाँ पर सेवा करने में लगे हुए हैं। वहीं पर पूरी व्यवस्था भक्तों के आने की यहाँ पर कल की गई है ताकि कल कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर भगवान श्री कृष्ण के दरबार में भक्त आराम से जा सके। और वहीं पर आप देख सकते हैं एक दिन पहले भगवान का दरबार आज यहाँ पर श्री कृष्ण के राम नाम के साथ में यहाँ पर किया जा रहा है। हरे कृष्ण के दरबार यहाँ पर किया जा रहा है। भक्तजन जो है एकदम भगवान कृष्ण के आगमन को उनके प्रकट के दिन पहले खुश यहाँ पर नजर आए, उनके उल्लास के लिए बधाई गान यहाँ पर खेले रहे हैं और कल भगवान का दरबार कल होगा। दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन आज आपको हम राजस्थान के अक्षरधाम से रूबरू करवाते हैं। बात मेवाड़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की, जहां हर साल लाखों लोग अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। मान्यता है कि भक्त मंदिर के खजाने में जितना देते हैं सांवलिया सेठ उससे कई गुना वापस लौटा देते हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया नगरी में स्थित कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर देश विदेश में अपनी प्रसिद्धि की अमिट छाप छोड़ चुका है, जिसका अंदाजा यहां हर महीने खोले जाने वाले भंडारे से लगाया जा सकता है, जिसमें करोड़ों की राशि भेंट स्वरूप भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। सांवलिया सेठ को सेठों का सेठ कहा जाता है। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सांवलिया सेठ को जो सेठों का सेठ कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि लोग जो ये प्रथा है और मान्यता है सुनने में आती कि जो व्यापारी लोग हैं, वैसे तो सब वर्ग के लिए सांवलिया सेठ एक तरह से उनके लिए मान्यता है, लेकिन विशेषकर जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए माना जाता है कि वो उनको स्पेशली सांवलिया सेठ के प्रति विशेष रूप से अपनी आसक्ति और व्यक्त करते हैं, अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, जो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर सेठ को अपनी इच्छा अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर मंडल द्वारा यहां देव झूलनी एकादशी पर 3 दिवसीय मेले के आयोजन के साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी सहित विभिन्न त्योहारों पर मंदिर की रंग बिरंगी लाइट से विशेष सजावट की जाती है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पूरे दिन भक्तगणों की जो है वो यहाँ आवक रहेगी और रात के टाइम पे
जो रात को 12 बजे जो एक तरह से जन्म के रूप में मनाया जाता है, उत्साह के रूप में, तो वो भी एक उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। 12 बजे आरती होती है, वो बहुत महत्व रहती है। ठाकुर जी महाराज जी का जन्म होता है और जन्म उत्सव के बाद भगवान की आरती होती है 12:30 बजे। कितना उत्साह रहता है, कितने श्रद्धालु? लगभग लाखों की तादाद में पब्लिक श्रद्धालु रहते हैं। इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर मंडल समिति ने खास तरह की सजावट का इंतजाम किया है। वहीं श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। सांवलिया जी की मूर्ति का नित नया श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहता है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी विशेष श्रृंगार किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। सीएम ने जन्माष्टमी की प्रदेश को बधाई, हरियालो राजस्थान के सफलता की कामना की। प्रदेश में हो रही बारिश पर बोले सीएम, कहा प्रदेश को खुशहाली मिले। सीएम जयपुर के लिए रवाना हो गए। और कल कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान बंसी वाले आप सभी पर मेहरबानी बनाए हैं, और जिस तरह से जोधपुर में और राजस्थान में बारिश हो रही है, हमारा राजस्थान खुशहाल रहे, हरियाला राजस्थान रहे, किसान हमारा समृद्ध रहे। कृष्ण जन्माष्टमी की आपके माध्यम से राजस्थान के सभी जन को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने हाईकोर्ट संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का नाम गर्व से लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर के दौरे पर रहे, इस दौरान वो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल हरिभाव बागड़े, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित भी किया। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। इससे पहले मंच पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने फूलों का गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया, तो वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और देश में अपराध को खत्म करने की बात कही। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने त्वरित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्षों पुराने कानूनों को खत्म करके करने, नए कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में जोधपुर रेंज के अलावा आसपास के जिलों से पुलिस का जाब्ता भी मंगवाया गया था। आपको बता दें, पिछले 10 महीने में ये पीएम मोदी का दूसरा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2023 को जोधपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर में 5900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव,
1 सितंबर से बीजेपी एक बार फिर से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस बार कार्यशाला का आयोजन जोधपुर में किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जोधपुर में बीजेपी की सदस्यता अभियान कार्यशाला। कार्यशाला में सीएम भजनलाल ने की शिरकत। कांग्रेस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने साधा निशाना। बीजेपी ने 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ और हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन कर रही है। जोधपुर में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने एक तरफ जोधपुर के विकास की बात की, वही दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं से ज्यादा सदस्यों को बीजेपी से जोड़ने का आह्वान किया। हमने जोधपुर में पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी विधानसभा छूटी रही। हमने हर विधानसभा में दिया, क्योंकि हम कहते हैं और हम विचार से कहते हैं, पूरी तरह से जिस निष्ठा के साथ हम काम करते हैं। हमने कहा है 8 करोड़ राजस्थान की जनता हमारी है, हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हम समान भाव रखते हुए हम पूरे राजस्थान के अंदर विकास करेंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का आगाज सीएम ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रदेश में उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के मकसद से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 25 सितंबर तक पहला चरण होगा। पहले चरण के पूरा होने के बाद समीक्षा की जाएगी। जोधपुर में कार्यशाला के दौरान सीएम ने कांग्रेस को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने देश के बंटवारा किया था, और ये वही कांग्रेस है 75 के अंदर इन्होंने आपातकाल लगाया था, इन्होंने कितनी बार लोकतंत्र की हत्या की है। सिर्फ इनको राज चाहिए, राज के अलावा ये है नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति की है, इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति की है, हमेशा जातिवाद, धर्मवाद और तुष्टिकरण के आधार पर इन्होंने काम किए हैं। और कांग्रेस सही माने में कहो तो ये भ्रष्टाचार की जननी है, और इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर काम किए हैं। प्रदेश में 6 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें एकजुट करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी से सदस्यों को जोड़ने के लिए 5-5 सदस्यों की टीम भी बना दी गई है। गौरतलब है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता सदस्य बनकर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, राजस्थान। जलदाय विभाग की स्थापना के बाद पहली बार बड़े बदलाव की तैयारी होने जा रही है। विभाग द्वारा अब पूरे महकमे की कैडर व्यवस्था का फिर से गठन हो रहा है। विभाग के विस्तार के साथ ही नए पदों का सृजन किया जा रहा है। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के नए मॉडल में पहली बार सचिवालय में भी मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद प्रशासनिक समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में अब नए प्रशासनिक समीकरणों के हिसाब से नए जिलों में नए सिरे से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिसके चलते जलदाय विभाग अब पूरे महकमे की कैडर रीस्ट्रक्चरिंग में लगा हुआ है। वित्त विभाग से मिली मंजूरी के बाद जलदाय विभाग में 3 नए मुख्य अभियंताओं के पद सृजित किए जा रहे हैं।
कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के नए मॉडल में पहली बार अब सचिवालय में भी मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव के नाम से नया पद सृजित किया गया है। वहीं उदयपुर संभाग की परियोजनाओं के लिए नए मुख्य अभियंता का पद सृजित किया गया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जलदाय विभाग में अब 8 मुख्य अभियंताओं की जगह कुल 11 मुख्य अभियंताओं के पद कर दिए गए हैं। डीपीसी की जो चीज है, डीपीसी के लिए क्योंकि नए जिले जो बने थे उनमें भी इन्होंने पोस्टें क्रिएट कर दी थी। कई जिले ऐसे हैं जिनके अंदर या तो उनको बढ़ाएंगे या कहीं ना घटेंगे। बढ़ाने का मतलब उसका क्षेत्र अधिकार बढ़ेगा या उस कहीं ना कहीं उसको कहीं कम करने, उसकी हम समीक्षा के लिए हमारे मंत्रिमंडल कमेटी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, वो रिपोर्ट आने के बाद वो करेंगे। बाकी नए जिलों के अलावा जो भी डीपीसी जो पुराने जिलों के आधार पर जितने पोस्टें थी वो करने के लिए हमने परमिशन दे दी है। जो भी जहाँ जहाँ भी होती है, कौन मेरे के बाद में कौन इसके वो करता है मेरे को भी पता नहीं है, बाकी उसकी बहुत जल्दी हम डीपीसी करेंगे। सरकार जलदाय विभाग के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था में इंजीनियर्स के साथ साथ अन्य पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है। अब अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पदों को 29 से बढ़ाकर 39 कर दिया गया है। वहीं अधीक्षण अभियंताओं के पद 85 से बढ़ाकर 130 किए गए हैं। वहीं अधिशासी अभियंताओं की संख्या को 472 से बढ़ाकर 490 किया गया है। कनिष्ठ अभियंताओं के पदों में 57 सीटों की बढ़ोतरी कर दी गई है। नए कैडर रीस्ट्रक्चर के अनुसार अब संभाग पाली, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में भी अतिरिक्त मुख्य अभियंता अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आज जयपुर उससे 10 गुना बढ़ गया तो हमें उससे 10 गुना पदों की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों से सबको बोला है कि आप इसकी कैलकुलेशन करो, क्योंकि अगर इसका मेंटेनेंस हम टाइम पे नहीं करेंगे, टाइम पे मीटरिंग नहीं करेंगे, टाइम पे ऊपर उसका ऑन डैम नहीं करेंगे, टाइम पे हम पानी नहीं खोलेंगे, वाल खोलने वाले नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम कोलेप्स होगा। इसके लिए हमने जितने पद चाहे 10,000 हो चाहे 15,000 उनकी हम समीक्षा करके बहुत जल्दी भर्ती करेंगे। भर्ती करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे उनको लेंगे। बाकी राजस्थान की जनता की जो सिस्टम है जो चालू हुआ है उसको कतई फेल नहीं होने देंगे। बहरहाल 5 साल पहले राजस्थान में जहां सिर्फ 10 लाख पेयजल कनेक्शन के आंकड़े थे, वहीं राजस्थान में हर घर नल से योजना के तहत इस साल के अंत तक करीब 1,10,00,000 घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ना है, जिसके लिए जलदाय मंत्री ने